तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करने के बहुत तरीके हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में पैसा लगा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ही तरीका है, लेकिन इंटरेस्टिंग तरीका है, जिसमें शॉर्ट टर्म पे आप ठीक ठाक रिटर्न पा सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में रिस्क भी आपको कम लेना पड़ेगा। इस वीडियो में देखेंगे कुछ स्पेसिफिक टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्पेसिफिक स्टॉक्स का चयन सिलेक्शन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब आप स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो मार्केट में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए या नीचे, दोनों के मूवमेंट्स में आप पैसा बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आपको रिस्क कम लेना है, जैसे पहले बताया, लेकिन यहाँ पे डेली या फंडामेंटल के लेवल पे एनालिसिस नहीं करना, आपको इंट्रा वीक या इंट्रा मंथ की ऑसिलेशन देखनी है, स्टॉक की ट्रेंड की ऑसिलेशन देखनी है। इसका मतलब समझाएंगे, लेकिन पहले टिप की बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इसमें भी आपको टेक्निकल एनालिसिस करना जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस के बिना स्विंग ट्रेडिंग भूल जाइए, मत कीजिए, पैसा वेस्ट होगा। आपको वो स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करने हैं जिनका वीकली या मंथली लेवल पे ऑसिलेशन होता है, मतलब कुछ ना कुछ ट्रेंड लेवल पे वो हिस्टोरिकली देखा जाए तो कुछ ना कुछ मूवमेंट ऐसी की है उन स्टॉक्स ने वोलेटिलिटी के साथ, जिसमें कि आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसी पर्टिकुलर प्राइस ट्रेंड के ऊपर आपको नज़र रखनी है, ज़िगज़ैग मूवमेंट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। जब स्ट्रेट लाइन होगा, वोलेटिलिटी कम होगी और आपके लिए प्रॉफिट बनाने का चांस भी कम होगा। तो हिस्टोरिकली किसी स्टॉक ने अगर ऐसा परफॉर्म किया है, हिस्टोरिकली मतलब पिछले कुछ महीने या लेट्स से कपल ऑफ मंथ्स बैक, उससे ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उन स्टॉक्स पर नज़र रख सकते हैं, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा, आपको हर स्पेसिफिक स्टॉक्स को जो फिल्टर करने की कोशिश आप कर रहे हैं, उनके कैलेंडर, उनके प्रेस रिलीज, उनके सोशल मीडिया मोमेंट्स पे नज़र रखनी है। देखना है कि क्या वो कंपनी कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रही है या करने जा रही है, क्या वो कंपनी की मैनेजमेंट ट्विटर के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू स्पेसिफिक कुछ अपडेट्स दे रहे हैं, ताकि वो कंपनी नज़रों में रहे, न्यूज़ में रहे और उसकी मूवमेंट होती रहे। तो आपको एक ब्रॉड आइडिया मिलता है कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में प्राइस मूवमेंट हो सकती है और आप उसमें शॉर्ट टर्म पे पैसा बना सकते हैं। तीसरा टिप पेनी स्टॉक्स को लेके है। पेनी स्टॉक्स की वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम हो सकती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। लेकिन जब बिगिनर लेवल का ट्रेडर है, वो पेनी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो एक टिप ये भी है कि पेनी स्टॉक से आप दूर रहें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो। चौथा टिप दोस्तों, आपको पता होना चाहिए बीटा वैल्यू के बारे में। अगर आपको बीटा वैल्यू के बारे में नहीं पता, तो आप हमारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, अलग अलग वीडियोस बने हैं इसके ऊपर। कि अगर मार्केट बीटा वैल्यू, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दें अगर आपको, तो मार्केट अगर 1% मूव करती है, तो बीटा वैल्यू 1.1% मूव करेगा, तो आपको वहीं पर 10%, 1 to 1.1% का 10% हो गया ये मूवमेंट के चांसेस होने के आसार हैं। तो स्विंग ट्रेडर जो हैं, स्टॉक्स बीटा वैल्यू जिनका 1 या 2 के बीच में है, उन पे नज़र रखें और उसके बेस पे वो अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, वी पॉइंट बीटा वैल्यू 1 है और मार्केट जो मूवमेंट है 1.1%, दैट गिव्स यू 10% चांस ऑफ गेटिंग ए प्रॉफिट। पांचवा टिप क्या है, अपना होल्डिंग टाइम डिफाइन कीजिए, कितने समय के लिए आपको निवेश करके रखना है। इसमें आप इंट्राडे ट्रेडर तो है नहीं कि आज पैसा लगाया और आज ही एग्जिट मार दिया, फंडामेंटल ट्रेडर भी नहीं है कि कुछ सालों के लिए पैसा लगाया है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको डिफाइन करना है कि कुछ हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, मैक्सिमम महीने के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। उस पर्टिकुलर होल्डिंग टाइम के साथ आपको फिक्सेटेड रहना है, थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं समय के साथ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर होल्डिंग टाइम डिफाइन नहीं किया है, देन यू आर गोना गेट स्टक, आप अपनी उस ट्रेड के साथ फंस जाएंगे। छठा जो टिप है दोस्तों, वो है डाउनवर्ड वेव को लेके। अगर किसी स्टॉक का प्राइस सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें एंटर करना है जिसमें आपको लगता है कि प्राइस इसका गिर गया है तो बाय कर लें। पॉसिबल है कि वो प्राइस और गिरेगा, तो यू हैव टू सी द हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना पड़ सकता है इसमें। पीयर कंपैरिजन भी करें कि क्या कंपनी या पूरा का पूरा सेक्टर किसी न किसी न्यूज़ के कारण इम्पैक्ट हुआ है। सो ऐसे केसेस में जो ये कंपनीज होती हैं,
और गिरने के चांस होते हैं इनके, तो इसको जल्दी मत कीजिए बाय करने में। और अब देखते हैं लास्ट पॉइंट। आपको शॉर्ट इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता है? शॉर्ट इंटरेस्ट बेसिकली जो इन्वेस्टर है उसका सेंटिमेंट को मेजर करता है कि इन्वेस्टर इस समय सोच क्या रहा है। जिस हिसाब से वो सोचेगा ऑन अ जनरल लेवल, उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी स्टॉक के अगेंस्ट हैवी शॉर्ट सेलिंग हो रही है, मतलब लोग बेच रहे हैं, तो मतलब पैसिव इंटरेस्ट है, लोगों को पैसिमिस्ट एक अप्रोच लेके चल रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि स्टॉक छोड़ दो, डंप कर दो, तो प्राइस उसका गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम है। तो उस केस में उस स्टॉक के प्राइस शार्प शॉर्ट टर्म राइज एग्जिबिट कर सकते हैं आफ्टर अपॉइंटेड टाइम, एक लेवल को टच करके वो वापस से इंक्रीज प्राइस हो सकता है। तो स्टॉक्स विद हाई शॉर्ट इंटरेस्ट, जिनका शॉर्ट इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो एक अच्छा खासा रिटर्न देने में सक्षम हो सकते हैं अगर आपने सही समय या सही प्राइस पॉइंट पे उन स्टॉक्स को पहचान लिया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सात बेसिक टिप्स आपको बताने की कोशिश की है, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो कंपेरेटिव एनालिसिस हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, बीटा वैल्यू हो, या वो वैल्यू हो शॉर्ट इंटरेस्ट की। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जनरली ये चीज़ें ओवरलुक कर दी जाती हैं और उस केस में सही स्टॉक्स ही फिगर आउट नहीं किए जाते, और जब सही स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाएंगे तो प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे। तो इनका इस्तेमाल कीजिए, बताइए आपके पास क्या ऐसे कुछ टिप्स हैं ताकि बाकी दोस्तों की भी मदद हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही, होपफुली आपको पसंद आया हो। ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।